नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबरॉय के घटिया मीम्स पर अमिताभ बच्चन और सलमान खान का रिएक्शन आ गया है। जहां अमिताभ ने विवेक को नसीहत दी है, तो वहीं सलमान ने बड़े ही कूल ढंग से इस मामले को हैंडल किया है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि इस मुद्दे पर न तो अब तक ऐश्वर्या के पति अभिषेक बच्चन और न ही खुद ऐश्वर्या राय ने कुछ बोला है। बता दें कि इस पूरे विवाद के बाद अभिषेक ने अपने ट्विटर पर एक और ट्वीट किया है। वहीं ऐश्वर्या ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कांस के रेड कार्पेट से अपनी फोटोज भी शेयर की हैं। यानी दोनों ही सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी इस विवाद को लेकर कुछ ना बोलना थोड़ा हैरान करने वाला है। हर कोई यही सोच रहा है कि आखिर अभिषेक और ऐश ने इस मामले पर अब तक चुप्पी क्यों साधी हुई है। बता दें कि विवेक के ट्वीट के बाद मामला इतना बढ़ गया कि महिला आयोग ने उन्हें नोटिस तक भेज दिया। इसके बाद विवेक ने ट्वीट डिलीट करते हुए माफी मांगी। लेकिन ये मामला ठंडा पड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। बॉलीवुड स्टार्स लगातार विवेक को जमकर लताड़ लगा रहे हैं। खैर, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि अभिषेक और ऐश्वर्या कब तक इस मामले पर अपना रिएक्शन देते हैं। बता दें कि बीते दिन विवेक ने एक मीम शेयर किया था, जिसमें सलमान ऐश्वर्या वाली फोटो पर ओपिनियन पोल लिखा है, ऐश्वर्या की विवेक ओबरॉय के साथ वाली फोटो पर एग्जिट पोल, जबकि अभिषेक बच्चन और बेटी आराध्या बच्चन के साथ ऐश्वर्या की तीसरी फोटो में रिजल्ट्स लिखा है। विवेक के ट्वीट के बाद उनकी जमकर आलोचना हो रही है। खैर, विवेक को लेकर खड़ा हुआ ये विवाद अब कौन सा नया मोड़ लेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे आपको क्या लगता है, विवेक की इस हरकत पर ऐश और अभिषेक को रिएक्ट करना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। हमने दी है प्रतिक्रिया, मैंने पढ़ा और मुझे लगता है कि कभी कभी कुछ लोग कूल बनने के लिए ट्विटर पर ये सारी चीजें लिख देते हैं। मैं पूछना चाहूंगा सोनम से कि उन्होंने महिला सशक्तिकरण के ऊपर कितना काम किया है, वुमेन एम्पावरमेंट पे हाउ मच हैज सोनम वर्क्ड। पिछले 10 साल में तकरीबन 2200 बच्चियों को हमने चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन से, फोर्स्ड लेबर से रेस्क्यू किया है। रेस्क्यू करके इनको फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, फ्री फूड देकर एम्पावर किया है, सशक्त किया है। उनमें से कई बच्चियां इस वक्त स्कॉलरशिप पे यूएस, यूके, कनाडा में पढ़ रही हैं। मुझे लगता है कि मैंने ये काम किया है और ये वेल डॉक्यूमेंटेड है, फोर्ब्स वगैरह ने भी छापा है इसको, इंटरनेशनल मैगजीन ने भी छापा है। मैं महिला सशक्तिकरण पे, विमेन एम्पावरमेंट में तब से काम कर रहा हूँ, 10 साल पहले जब सोनम कपूर अपने मेकओवर पे काम कर रही थी। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा सोनम को कि आप बहुत अच्छी लड़की हैं, आपके पिताजी अनिल कपूर साहब के लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है, आई लव हिम वेरी मच, बट आपने जो ये बात लिखी है तो इसके ऊपर मैं जवाब देना चाहूँगा आपका कि आई फील पर्सनली, सोनम थोड़ी सी एडवाइस मैं देना चाहूँगा आपको, गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट विथ योर करियर, बट आप अपनी फिल्मों में थोड़ा कम ओवर एक्ट करें और अपने सोशल मीडिया पे थोड़ा कम ओवर रिएक्ट करें। पर्सन लाइक विवेक कैन नॉट डू दिस ऑन सोशल मीडिया और अदरवाइज ऑल्सो, बिकॉज ही हैज गॉट मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हिज शोल्डर एज अ एक्टर, पीपल फॉलो हिम एंड ही कैन नॉट डू, बिकॉज वेन पीपल फॉलो दे विल डू अदर काइंड ऑफ थिंग्स ऑल्सो, नॉट ओनली अ मीम। So he should not do this, and he should not, you know, put such kind of things on social media. I mean, this is a woman's life, her own life, and she's married now, married to another person. He can't use his her past and be disrespectful towards her. We would like him to apologize on social media all and personally also to the person concerned, and if he doesn't do, we will see what legal action we can take against him. On the screen and also the 9 different look of yours. Yeah, it was a big challenge. It was an amazing experience as an actor, and all thanks to Sandeep Singh for offering me this role. You barely get as an actor the chance to play a legendary character like Pradhan Mantri Modi ji, and I tried my level best as an actor. We had a good team. 9 लुक क्रिएट करने में बहुत मेहनत लगी, प्रोस्थेटिक्स से लेकर, मेकअप डिपार्टमेंट से लेकर, हमारे पूरे टीम ने उसमें बहुत एफर्ट किया, एंड आई थिंक लोगों को फिल्म में पसंद आएगा। How difficult was to
produce a movie like it's a legendary movie. How I think it was very very simple to produce this film, but it has become very difficult to release this film. So I think shooting was very nice. It was the most memorable shoot of my life. But releasing has also become the most memorable part of saga. My life. Saga, actually. Okay, wait, sir, apart from acting, you're also being written the dialogues and the screenplay of this movie, and also you have sang or rapped in the movie. So which part you have enjoyed the most? कोई याद है आपको, क्योंकि हर पार्ट में मैंने को राइट किया है. अनिरुद्ध और हर्ष ने मेरे साथ में बहुत मेहनत की. आई थिंक मैक्सिमम क्रेडिट गोज टू माई राइटर्स. दे हैव वर्क डे एंड नाइट एंड गिवन अ लॉट ऑफ कमिटमेंट. आई वॉज जस्ट देयर, लिटिल बिट सपोर्ट मैंने किया. एंड संदीप ऑल्सो. कभी कभी क्या होता है, सम टाइम व्हाट हैपेंस, वी गिव क्रेडिट एंड वी बिकम वेरी मॉडेस्ट. Because we are very, very particular about that I am an actor. But I will say that if Vivek was not there as a writer in this film, which he never asked me, I don't think till the trailer release he knew that he's getting the credit in screenplay and dialogue. So honestly, the writers came up to me and they told me, ki, please, it's a request, give his name because he has contributed equally. Because what knowledge he comes from, we don't have that knowledge of either filmmaking, either of politics, or neither of the man. In spite of doing so much of research, what he used to get it, not in terms of research, yes, research, they did it, but the way we have to show it to the audience, what kind of dialogues will be there, how the screenplay should be told, everything he used to sit and narrate after the film, before the film, on location, so many times to various people. And what the best part about him is, that he is not an overconfident person. He doesn't say, this is final, do it. What he says, if he doesn't get my time or Umang's time or the writer's time, he starts narrating it to his makeup person. He starts narrating it to the assistant. Then he says, no, does it sound properly? So that is what I like. There is no ego. This is the final thing. I have done so many films. I have been in the industry for last 19 years. So you all don't have to say it. He used to take contribution from even the small people. And that is what even I learned from there. Because before this film, I used to not take contribution. I say, we have to make the film and we have to show it. Later what happens. But in this film, I think I learned this from you. Thank you. We have to take contribution from the beginning and then present it to the audience. So it was the reverse psychology, which he played with us. Okay, yes, sir. Have you got any feedback from Modi ji while filming or after the completion of the film? हाँ, अभी फोन आया था. That's between him and us. Okay, the Modi movie has now become a propaganda movie. What's your thought? It has become a propaganda film. Yeah. Oh, okay. So let me correct you. So because people are saying that. Ah, right? So what's your thought on that? यार कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. हम अपनी फिल्म बना रहे हैं. We've made a film with honesty, and Sandeep has produced many amazing movies before PM Narendra Modi. He has a very credible body of work at a very young age. It's unfair to just say ye propaganda film hai. Dil se banayi hai yaar. Jhoot bol rahe hai log. So it's not only propaganda. Let me put more things to that. They have said that this film is funded by BJP, which is not. We belong to BJP, which is not. He belongs to BJP, which is not. Because I've seen him in films, I think, before this. So I don't know from where he belongs to BJP. We are laughing. But when this acquisition used to come to us, we were shocked. Ki, matlab, now what will happen to a film, yeah, whether it will release or not. Then all the producers belong to BJP. What all has come? And so all this has been proved. And all this, I think, we have been given justice by all the courts, whether it was Bombay High Court, whether it was Delhi, whether it was Supreme Court. And by door to door, they have gone and appealed that this film should be banned and it should not be released or it should get postponed. And door to door, we have gone, ki, please let this film release. It should not be banned and it should not be postponed. I know, yeah. So, okay, difficult. So, initially, this movie was to release on 5th April. Now it's releasing on 11th April. Was it any particular reason? हाँ, यही सब चक्कर काट रहे थे हम. कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी गुरुद्वारे के चक्कर, और कभी कोर्टों के चक्कर काट रहे थे. बट फाइनली आई थिंक 11th अप्रैल को जो हो रहा है अच्छा हो रहा है. देयर इज ऑलवेज अ डिवाइन ब्लेसिंग. अगर आपके साथ सच्चाई है तो सब अच्छा ही होगा. सो वी आर एक्साइटेड अबाउट 11th अप्रैल यार. लॉट ऑफ पीपल आर गोना कम एंड सेलिब्रेट दिस फिल्म विद अस.
ओके सर, आपको शायद तो पता होगा कल नरेंद्र मोदी जी भी आ रहे हैं मुंबई, सो आर यू प्लानिंग टू कीप एनी स्पेशल स्क्रीनिंग फॉर हिम? PM of this country, 2 hours to watch a film. I think he's a man who keeps working, working, working. People say he when he sleeps and when he gets up. So I think he has a lot of other work for the country. In 2 hours, he can do anything. So, and that he's proved in last 5 years. So I think he'll do better work than watching a film. But we'll be honored if he watches a film and calls us, or if even if we get a compliment from him. ओके विवेक सर, लास्ट टू क्वेश्चंस. आपको बहुत ही प्यार मिला है बॉलीवुड में, नाउ इन साउथ आल्सो, तो लूसिफर इज गेटिंग अ ह्यूज रिस्पांस, इंच टू अ 100 करोड़. सो हाउ यू फील और हाउ डिफरेंट व्हाट टू वर्क इन बॉलीवुड एंड टॉलीवुड? यार बहुत खुशी होती है, चाहे कोई भी भाषा में आपकी फिल्म जब इतना अच्छा करे एंड पीपल आर गिविंग यू सो मच लव एंड रिस्पेक्ट फॉर योर परफॉर्मेंस, इट्स लवली. मोहनलाल जी इज अ लेजेंड. वर्किंग विद लाल एटन आफ्टर 16-17 ईयर्स सिंस कंपनी was an amazing experience. Prithviraj was fabulous as an actor and now as a director. Manju Warrier, again another legend. They have so many national awards between them that I don't have that many numbers in my phone. They've done really, really well. And it was a pleasure working with them and an experience to remember and cherish. Okay, sir. जैसे कि आप पता ही होगा, you have immense number of followers. Or you're always there for any social cause. Is there any planning of yours to join political in future?